Students, today I am starting photosynthesis in higher plants. आज मैं शुरू करूंगा उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण. इससे पहले हमने 10वां अध्याय पढ़ा था, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो उसके बाद जो 11वां और 12वां अध्याय है, वो इस साल क्योंकि कोरोना की वजह से उनको सिलेबस से हटा दिया गया है, हम सीधे 10 के बाद 13वां अध्याय पढ़ेंगे, जो कि उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी जीवधारी होते हैं, उनमें जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. जो जैविक क्रियाओं का संचालन होता है, जितने भी वो काम करते हैं, उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है. और ये ऊर्जा जो है, भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होती है. और इसके लिए, उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन का निर्माण होना करना होता है. तो ये जो जितने भी, अगर हम विषमपोषी की बात करें, तो वो दूसरों से अपना बना बना भोजन ग्रहण करते हैं, उनको इसकी आवश्यकता नहीं होती है. लेकिन जो स्वपोषी होते हैं, स्वपोषी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और वो एक क्रिया संपन्न होती है उनके अंदर, जिसको कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. फोटोसिंथेसिस की अगर हम परिभाषा करें, उसको अगर हम परिभाषित करें, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पत्तियों के द्वारा वायुमंडल से ग्रहण की गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इन दोनों को मिलाकर पर्णहरिम की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, का निर्माण करते हैं. यह अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है. अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को देखें, किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, रासायनिक रूप में अगर हम देखें, तो 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल C6H12O6 प्लस 6 H2O प्लस 6 O2. तो इस प्रकार से इसमें जो है 6 अणु ऑक्सीजन के निकलते हैं, 6 अणु पानी के निकलते हैं, उससे पहले 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड और 12 अणु पानी के संयुक्त होते हैं. सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज का एक अणु बनता है, C6H12O6 बनता है, पानी के 6 अणु वापस रिलीज होते हैं, जो कि अधिक मात्रा में होने पर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पत्तियों से रंध्रों के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं. अगर हम प्रकाश संश्लेषण की बात करें, तो प्रकाश संश्लेषण एक उपचयी एनाबॉलिक रिएक्शन इसको बोला जाता है. एनाबॉलिक का मतलब होता है उपचयी. दो रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर, एक होती है कैटाबॉलिज्म, एक होती है एनाबॉलिज्म. एक को अपचयन बोला जाता है, एक को उपचयन बोला जाता है. तो अपचयन का मतलब होता है पदार्थ का टूटना, और उपचयन का मतलब होता है पदार्थ का बनना, संश्लेषण होना पदार्थ का. तो यहाँ पर पदार्थ बनता है, उसको संश्लेषण बोला जाता है. सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश जो है विकिरण के रूप में जो है पृथ्वी पर आता है, जिसका अधिकांश भाग रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी के रूप में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए में जो है भोजन के रूप में उसको लिया जाता है. अगर हम कुछ तथ्यों की ओर ध्यान दें, तो सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी को लगभग 650 × 10^21 कैलोरी ऊर्जा प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है. सूर्य से जो है 650 × 10^21 कैलोरी प्रकाश सूर्य का जो है पृथ्वी पर पड़ता है, जिससे 25 × 10^21 कैलोरी जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो स्थलीय पौधों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और 90 × 10^21 कैलोरी समुद्री पौधों के द्वारा अवशोषित किया जाता है. इसके अलावा 7 × 10^13 kg कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रतिवर्ष पौधों के द्वारा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ली जाती है. 7 × 10^13 kg कार्बन डाइऑक्साइड. अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण का इतिहास और प्रारंभिक प्रयोग, जो कैसे कैसे प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ.
हम जैसे कि हम पहले भी इस पे जो है डिस्कशन कर चुके हैं कि पहले जो भी साइंटिफिक वर्क होते थे वो फिलोसोफर के द्वारा, जो जितने भी हमारे दार्शनिक होते थे उनके मुंह से जो निकल जाता था विज्ञान के बारे में, हम उसी को जो है एक खोज मान लेते थे। तो इसमें जो है सबसे पहले जो काम किया वो अरस्तु ने किया, क्या एरिस्टोटल 320 BC, इन्होंने बताया कि इन्होंने जो बोला कि पौधे जो है अपना पोषण जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं, ये इन्होंने थ्योरी दी अपनी कि जो पोषण जो भी करते हैं, और उसको बाद में भी सत्य माना गया क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है जो पानी है वो अवशोषित किया जाता है, और वो पानी ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर भोजन का निर्माण करता है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि पानी के साथ पौधे खनिज लवण भी अवशोषित करते हैं। उसके बाद जोसेफ प्रिस्टले, जे प्रिस्टले 1772, इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि पौधे जंतुओं द्वारा जो दूषित की गई वायु है, मतलब जो जंतु छोड़ते हैं, और जंतु छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको शुद्ध करते हैं, इन्होंने बोला। इन्होंने इसके लिए प्रयोग भी किया, इन्होंने एक बेल जार लिया, बंद बेल जार लिया, उस बेल जार में इन्होंने एक मोमबत्ती जला के रख दी और एक चूहा रख दिया। तो इन्होंने देखा कुछ समय बाद मोमबत्ती भी बुझ जाती है और चूहा भी मर जाता है। हम जानते हैं कि उस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन रही होगी, जब तक वो ऑक्सीजन उसके अंदर थी तब तक मोमबत्ती भी जल रही थी, चूहा भी जीवित था, लेकिन जब वो, क्योंकि वो ऑक्सीजन चूहे ने भी ग्रहण की श्वसन के लिए और मोमबत्ती को भी जलने में वो ऑक्सीजन सहायक हुई और दोनों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी, जिसके फलस्वरूप चूहा भी मर जाता है और मोमबत्ती भी बुझ जाती है। इसी आधारित उन्होंने एक प्रयोग और किया, उन्होंने एक दूसरा बेलजार लिया और उस बेलजार के अंदर उन्होंने तीन चीज़ें रखी। एक गमला रखा जिसमें कि हरे पौधे लगे हुए थे, एक जीवित चूहा रखा और एक मोमबत्ती रखी। तो यहाँ पर क्या हुआ, काफ़ी समय तक उन्होंने देखा, बेलजार को बंद कर दिया तो उन्होंने देखा कि पौधा भी हरा है, चूहा भी जीवित है और मोमबत्ती भी जल रही है। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला कि मोमबत्ती भी जलने में ऑक्सीजन ग्रहण कर रही है, जो चूहा भी अपने श्वसन के लिए ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, और हरे पेड़ पौधे जो है वो अपने वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहे हैं जो कि चूहा और मोमबत्ती के द्वारा छोड़ी जा रही है, और उसके बदले वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप वो ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं जो कि चूहे के द्वारा और मोमबत्ती के जलने में सहायक हो रही है। तो उन्होंने देखा कि चूहा भी जीवित है, पौधा भी हरा भरा है और मोमबत्ती भी कंटिन्यूअस जल रही है। तो इससे उन्होंने सिद्ध किया कि जो भी जो पौधे और जंतु जो है अपने एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसके बाद डी सोश्यूर इन 1804 में उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अभाव में पौधे मर जाते हैं। उन्होंने कहा अगर कार्बन डाइऑक्साइड पौधे और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पौधों को नहीं मिलेगी तो पौधे डेड हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन निकलती है उसकी जो मात्रा होती है पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन निकलती है और जो वो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं उनकी मात्रा हमेशा बराबर होती है, जितनी वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो अवशोषित करते हैं। इसके अलावा रॉबर्ट हिल एक साइंटिस्ट थे, 1937 में इन्होंने प्रकाशिक अभिक्रिया दी, पहले जो प्रकाश संश्लेषण की के जो दिशा में जो है पहला विकास जो हुआ, एक इसको हम कह सकते हैं माइलस्टोन जिसको हम कह सकते हैं, वो प्रोग्रेस हुई कि उन्होंने प्रकाशिक अभिक्रिया की दी। प्रकाशिक अभिक्रिया हम उसको कहते हैं, अभी हम इसके बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे, प्रकाशिक अभिक्रिया हम उसको कहते हैं जो कि दिन में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित होती है, जल अवशोषित होता है और उसमें जो है जल का अपघटन होता है जिससे कि कुछ पदार्थ निकलते हैं, O2 निकलता है, इसके अलावा NADPH निकलता है। तो इस प्रकार से जो है ये रॉबर्ट हिल के द्वारा दी गया। उसके बाद कैल्विन और वेंसन, इसको कैल्विन वेंसन भी बोला जाता है, 1948 में इन्होंने कार्बन CO2 से कार्बोहाइड्रेट निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया को समझाया, का मतलब जो डार्क रिएक्शन है, दो रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण में, एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया जो कि रॉबर्ट हिल के द्वारा दी गई, और एक डार्क रिएक्शन होती है जो कि कैल्विन बेंसन के द्वारा दी गई, जो कि उन्होंने देखा कि उसमें जो है एक कार्बनिक पदार्थ का जो ग्लूकोज का अणु बनता है उसका निर्माण इसके द्वारा होता है।
इनको इसके कार्य के लिए 1961 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। उसके बाद एक हैच स्लेक, हैच और स्लेक दो वैज्ञानिक आए 1967 में इन्होंने जो है उष्ण कटिबंधीय जो पौधे होते हैं उन पौधों में कुछ ऐसा एक चक्र बताया जिसको कि C4 चक्र बोला जाता है। C4 चक्र जो है इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो हैच और स्लेक के द्वारा इसको बोला गया। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो स्टेप है इसका, वो आते हैं प्रकाश लेषण कहाँ संपन्न होता है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल कहाँ है, वेयर इज द साइट फॉर द फोटोसिंथेसिस। हम ये कह सकते हैं कि जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, वो उच्च श्रेणी के पादपों में प्रकाश संश्लेषण का एक स्थान है, और ये हरित लवक जो है पत्तियों के जो हमें कह सकते हैं एपिडर्मिस होता है उसके नीचे मध्योतक म्यूजोफिल्स होती है उनमें यह क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में जो है एक वर्णक पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, क्लोरोफिल ए और बी इसमें पाए जाते हैं। ये हरित लवक जो होते हैं इनमें हम जानते हैं कि ग्रेना पाए जाते हैं, ग्रेना स्ट्रोमा लेमेली से जुड़े हुए जिसको कि ग्रेना हम कहते हैं, और वो ग्रेना उस ग्रेना के अंदर इसकी प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, बाकी जो अंधकार रिएक्शन होती है इसकी डार्क रिएक्शन जो होती है वो होती है स्ट्रोमा में, जो कि एक पदार्थ जो है भरा रहता है हरित लवक के अंदर। ग्रेना लेमेली जो होती है जो कि एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जोड़ती है, इनकी जो परतें होती है उन परतों के उसकी जो आंतरिक सतह होती है वो कणिकीय होती है, ग्रेनुलर होती है, और उन ग्रेन्स होते हैं जो कणिकाएँ होती है उन कणिकाओं को क्वांटासोम्स कहा जाता है। जो क्वांटासोम्स होते हैं ये क्वांटासोम जो होते हैं प्रकाश लेषण की इकाई मानी जाती है, ये एक तरफ से हमें कह सकते हैं दीज क्वांटासोम आर यूनिट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, का मतलब फोटोसिंथेसिस की घटना को पूरा स्टार्ट करने के लिए इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और एक क्वांटासोम प्रत्येक क्वांटासोम में 230 जो हरित कण पाए जाते हैं, हरित कण या पर्ण हरिम उनको बोलते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, वो प्रत्येक क्वांटासोम में जो है जो ग्रेना लेमेली होती है उनमें क्वांटासोम पाए जाते हैं, और क्वांटासोम के अंदर एक क्वांटासोम के अंदर 230 पर्णहरिम पाए जाते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं ए और बी। और इनमें जो है अगर हम ये देखें कि अगर इनमें जो है कुल 160 क्लोरोफिल ए पाए जाते हैं प्रत्येक में जो 230 है, और 70 क्लोरोफिल बी इनमें पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल ए की मात्रा जो है ज़्यादा होती है। क्वांटासोम या प्रकाश संश्लेषण की इकाई हम इसको कह सकते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक अणुओं की संख्या जो है वो ऑक्सीजन के एक अणु, ऑक्सीजन का एक अणु है उसके निष्कासन जब होता है तो उसके द्वारा हम उसको परिभाषित करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी वर्णक, पिगमेंट्स यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं कि जो क्वांटासोम होते हैं 230 जिनमें कि पर्णहरिम पाए जाते हैं, उन पर्णहरिम में जो है क्लोरोफिल ए और बी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए का अगर हम मॉलिकुलर उसका जो है रासायनिक सूत्र अगर देखें C55H72O5N4Mg, कार्बन 55 होते हैं इसमें, 72 जो है हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 5 ऑक्सीजन एटम होते हैं, 4 नाइट्रोजन एटम होते हैं और 1 मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल ए में। क्लोरोफिल बी में सेम C55H70, 72 की जगह में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं 70। इसी प्रकार से ऑक्सीजन 5 की जगह में 6 होते हैं, नाइट्रोजन 4 ही होते हैं और मैग्नीशियम 1 होता है, तो इस प्रकार से ये कहलाते हैं, ये तो क्लोरोफिल कहलाता है। दूसरा जो वर्णक पाया जाता है वो पाया जाता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होता है ये प्रकाश निषी कोशिकाओं में क्लोरोफिल के साथ साथ जो है ये पाया जाता है, और ये नारंगी और पीले रंग के होते हैं, ये जो वर्णक होते हैं ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं, ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं, जो कार्बनिक विलायक होते हैं मीथेनॉल इथेनॉल ये जितने भी कहलाते हैं कार्बनिक विलायक कहलाते हैं, इनमें ये घुलनशील होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं,
लेकिन अगर जल में इनको देखें घुल के तो जल में ये नहीं घुलते हैं। इसमें एक कैरोटीन पाया जाता है, कैरोटीनॉइड में। कैरोटीन जो है हाइड्रोजन व कार्बन के बने होते हैं, और इसमें जो है लाइकोपीन हो गया, जैसे ये टमाटर और तरबूज में पाया जाता है। इसी प्रकार से कैरोटीन जो है वो गाजर में पाया जाता है। दूसरा होता है इसमें जैंथोफिल, ये पीले वर्णक होते हैं और ये जो है इनमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी प्रकार से तीसरे वर्णक होते हैं फाइकोविलिन्स, इसमें फाइकोसाइनिन होते हैं, ये जो शैवाल होते हैं रेड रेड ग्रीन शैवाल होते हैं उनमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से फाइकोइरिथ्रिन होते हैं, ये रोडोफाइसी जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग वर्णक इनमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम प्रकाश की प्रकृति, क्या इसका नेचर होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लाइट, और वर्णकों द्वारा इसका अवशोषण किस प्रकार से होता है। सूर्य का प्रकाश जो होता है एक प्रकार से ये एक ऊर्जा है जो कि विकिरण के द्वारा जो है पृथ्वी तक पहुंचता है, और ये विद्युत चुंबकीय तरंगीय सिद्धांत के अनुसार जो है तरंगों के रूप में संचरण ये करता है। इसमें जो है एक सिद्धांत इसके लिए लागू किया जाता है जिसको हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, क्वांटम थ्योरी हम उसको कहते हैं, और प्रकाश ऊर्जा की मात्रा की जो इकाई होती है वो क्वांटम कहलाती है। मतलब क्वांटम के रूप में प्रकाश ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, पौधे जो है उसको क्वांटम के रूप में या फोटोन के रूप में जो है उसको ग्रहण करते हैं। इसमें कॉस्मिक रेज होती है, एक्सरेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, रेडियो वेव्स इसमें होते हैं। जो विजिबल लाइट होती है इसमें से जिस प्रकाश को हम देख सकते हैं उस प्रकाश को विजिबल लाइट बोला जाता है, और उस विजिबल जो लाइट होती है उसमें 7 रंग छिपे होते हैं जो कि हमें सामान्यतः नहीं दिखाई देते हैं, वो केवल हमें जब हम प्रिज्म से उनको गुजारते हैं तभी वो 7 रंग हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिसका कि अगर हम फॉर्मूला देखें तो विविज्योर जिसको बोला जाता है, ये 7 रंग होते हैं। और इसका जो नैनोमीटर होता है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 400 से लेकर 730 वेवलेंथ होती है। 400 जो एनम होता है वो वायलेट की होती है, उसके बाद इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड होता है, और रेड की वेवलेंथ जो होती है 730 होती है, का मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वो रेड की होती है, सबसे दूर तक भी रेड ही जा सकता है। तो क्रिया स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम इसमें बोलते हैं, सभी कार्बनिक पदार्थ द्वारा जो है प्रकाश का अवशोषण होता है, लेकिन जो विजिबल लाइट होती है उसका अवशोषण केवल रंगीन वर्णकों के द्वारा होता है। जो रंगीन वर्णक होते हैं वो जो है इसको अवशोषित कर पाते हैं। अब इसमें जो है जो इसके बाद नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।